चैनल में तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। और चलिए आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि साल का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट रिव्यू लेके आई हूँ। और ये प्रोडक्ट रिव्यू है स्पेशली फॉर टीनेजर्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके लिए लाइफ सेवर है, या नो ये प्रोडक्ट आपके लिए स्किन सेवर है, क्योंकि ये आपकी स्किन को सेव करके रखता है पिंपल्स के साथ अगेंस्ट में। तो मेरे पास है प्रोडक्ट जो है वो है सेबामेड। सेबामेड का मेरे पास क्लींजिंग फॉर्म फेस वॉश है, जो मैं लास्ट में प्लस मेरी डॉटर लास्ट 6 मंथ से यूज़ कर रहे हैं। उसमें मेरा एक्सपीरियंस 3-4 मंथ्स का है, फिर मैंने यूज़ करना बंद कर दिया था, बट मेरी डॉटर कंटिन्यूसली ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं एंड आई कैन से दैट कि मुझे और मेरी डॉटर को स्पेशली उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सी इज़ ओनली 11 ईयर ओल्ड। तो सेबामेड जो है वो मैंने इसके, जब मेरे किड्स जो छोटे थे तब मैंने इसके लोशन शैम्पू वगैरह यूज़ किए हुए थे, तो मुझे इसके ऊपर पहले से ही एक ट्रस्ट था। ये ब्रांड बहुत अच्छा है, प्लस इसके प्रोडक्ट के रिजल्ट भी काफ़ी हद तक अच्छे रहते हैं। मेरी डॉटर को लास्ट फ्यू मंथ से फोरहेड पे पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने जो है पहले तो थोड़ा बहुत ट्राई किया कि चलो भाई अपने आप अगर ठीक होता है तो होने देते हैं। उसके बाद लॉकडाउन से आ गया, तो आई थॉट कि अभी वो बाहर नहीं जा रही है तो उसको रिड्यूस हो जाएंगे पिंपल्स, बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और पर्टिकुलरली आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनको अपनी ब्यूटी के रिलेटेड ज़्यादा टेंशन रहती है, एक आध दो पिंपल्स भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती हैं, राइट? वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं अपनी पर्सनालिटी को लेके। तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि जो टीनेजर्स हैं, जिनके बच्चे टीनेजर्स हैं या फिर छोटे हैं फिर भी पिंपल्स जैसी या ब्लैकहेड जैसी प्रॉब्लम है, उनके लिए ये स्किन सेवर इसीलिए मैंने बुलाया है इसको, क्योंकि हम बच्चों को इतनी छोटी एज में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, कोई भी मेडिकेशन में प्रेफर नहीं करूँगी मेरी बेटी को देना, ना ही आप लोग प्रेफर करोगे क्योंकि ये एज इतनी छोटी है। तो इसके लिए जो बेसिक चीज़ें कर सकते हैं वो यही होती हैं कि हम उनको अच्छा फेस वॉश दे सकते हैं, अच्छी कोई क्रीम अलाउ कर सकते हैं लगाने के लिए। अदरवाइज़ आई एम नॉट दैट पर्सन कि उसको मैं कोई ट्रीटमेंट या फिर मेडिकेशंस दूँ पिंपल्स के लिए, दैट्स फाइन। फ्यूचर भी अगर मैं पर्सनली मेरा ओपिनियन आप जानना चाहूँगी तो मैं मेडिकेशन नहीं बोलूँगी, कोई ट्रीटमेंट नहीं बोलूँगी यंग एज पे भी नहीं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं और फिर वो तब नहीं समझ में आता है जब आप लेते हो, बट आफ्टर दैट बहुत ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट फील करने पड़ते हैं और साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होते हैं दोस्तों। स्पेशली जो स्कार ट्रीटमेंट्स रहती हैं, पिंपल ट्रीटमेंट्स रहती हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट मैंने खुद अपनी विजिबल आँखों से ट्रीटमेंट लेने के बाद लोगों को पछताते हुए देखा है। तो एनीवेज चलो हम बात करते हैं कि प्रिवेंशियली आप क्या कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट जो है सेबामेड का क्लींजिंग फॉर्म बेस फेस वॉश है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मेरी बेटी को विद इन 15-20 डेज के अंदर काफ़ी हद तक पिंपल्स की प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई। 4-5 डेज में ही जो बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स थे, जो बोल सकती हूँ कि जो इरीटेटेड पिंपल्स थे, जो बहुत बड़े थे और जो बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर रहे थे, पैनी थे जो
जिसमें से उसको पेन हो रहा था वो सारे तो विद इन 4 डेज में ही रिड्यूस हो गए, बट यहाँ जहाँ पे स्पॉट थे या फिर जहाँ छोटे छोटे पिंपल्स थे उन सारों में भी काफ़ी हद तक 20 डेज के अंदर रिजल्ट आ गया है। मेरी बेटी इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम यूज़ करती है। मॉर्निंग और इसमें प्रिफर करने में आया है कि अप टू 3 मिनट्स तक आप इसे यूज़ कर सकते हो, जेंटली मसाज कर सकते हो, बट मैंने उसको 1 मिनट ही अलाउ किया है क्योंकि 1 मिनट बेस्ट रहता है स्किन क्लींजिंग के लिए। अब ये क्या क्लीन करता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये बॉक्स पैकिंग में आता है, इसकी 4 साइड्स हैं और 4 साइड्स पे हर एक जगह पे एक क्लियर एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स देने में आई है। इन लोगों ने अपना एड्रेस एज वेल एज फोन नंबर भी मेंशन कर रखा हुआ है। ये 150 ml क्वांटिटी आता है और ये बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलता है, पर्टिकुलरली किड्स के लिए। तो ये उन लोगों के लिए 2 टाइम यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही चलेगा, ये 3-4 मंथ्स बोतल चल जाती है। ये मेरी 3rd बोतल है क्योंकि मैं भी 3 महीने यूज़ की हूँ, मेरी बेटी भी यूज़ की थी और कभी कभी मेरे बेटे ने भी यूज़ कर लिया है, तो ये मेरी 3rd बोतल है। तो बात आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसकी प्राइस जो है वो 580 है, बट मैं आप लोगों को बोलूँगी कि मोस्टली ये आप लोगों को 5 या 470 तक भी मिल जाता है। रिसेंटली मैंने इसको सेल में परचेस किया था, तब मुझे ये कुछ 430 के आसपास में गिरा था। मैंने इसके स्टॉक कर लिया था, 2 बोतल मैंने ले ली है और मैंने इसका सोप जो आता है सेबामेड का सेम ही रहता है, वो भी यूज़ करा है, बट आई प्रिफर कि अगर आप लोग अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो डेफिनेटली आप ये क्लींजिंग फॉर्म ही यूज़ कीजिए, बिकॉज इससे इमीडिएटली बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसकी पैकेजिंग कैसी है। इसकी बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग आती है और इसको आप पंप स्टाइल की बॉटल में मिलता है आपको, तो आप इजीली इसको कहीं पे भी लेके भी जा सकते हो, ये बहुत अच्छे से टाइट हो जाता है इसका कैप। ओके, अब बात करते हैं ये क्या क्लेम करता है। फर्स्ट इसका क्लेमिंग है वो है पीएच लेवल, ये 5.5 है इसका पीएच लेवल, जो अपनी स्किन के पीएच लेवल से काफ़ी मेल खाता हुआ है, काफ़ी इसके साथ में स्किन के साथ में ये मैच होता है। तो पीएच लेवल 5.5 होने की वजह से ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है। फर्स्ट ये क्लेम कर रहा है कि ये सोप फ्री है, जिस और स्पेशली बनाने में आया है सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन के लिए। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते ही आपकी स्किन रिएक्ट करने लगती है, ब्रेकआउट्स आ जाते हैं, आपकी स्किन में पिंपल्स आ जाते हैं, तो भी ये प्रोडक्ट काफ़ी हद तक अच्छा है। अगर आपको रेगुलर बेस पे स्किन के अंदर जो है एंस की प्रॉब्लम है, एंस प्रोन है आपकी स्किन, यानी जल्दी से वो कोई भी प्रोडक्ट को लेकर रिएक्ट करती है, धूप में जाने पर रिएक्ट करती है, तो इस टाइप की, और फिर अगर ऐसा कुछ नहीं भी होता है फिर भी आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट देता है। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं मेंटलाइन C40, जो आपके बैक्टीरिया को और आपके पिंपल्स को, आपके इरिटेशन को, आपके ब्लैक हेड्स को इमीडिएटली रिड्यूस करता है और आपको एक हेल्दी स्किन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। के अंदर जो पैंथेनॉल है वो आपकी स्किन के इरिटेशन को, इन्फ्लेमेशन को कम करके जो है न्यू जनरेट करता है स्किन को, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हेल्दी एंड सफल रहती है। इसके डायरेक्शन में ये दिया गया है कि आपको इसके 1 पंप या 2 पंप को लेना है अकॉर्डिंग टू योर नीड, और जो है आपको आपके आई एरिया के अलावा आपको जेंटली इसको जो है मसाज करना है अप टू 3 मिनट्स तक, और फिर आपको इसको रिंस ऑफ कर देना है। अगर आपको कुछ भी मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप
फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहे हो तो आप पैच ट्रेस जरूर कीजिएगा, पैच ट्रेस के बाद ही इसे यूज़ कीजिएगा। अगर आपको कोई टाइप का इरिटेशन होता है तो आप इसे इमीडिएटली रिंस ऑफ कर दीजिएगा। तो ये सेक्शन था इसका। ओके, तो ये प्रोडक्ट को मैं देती हूँ 10 में से 8 पॉइंट्स। दिस इज़ द रियली वेरी गुड प्रोडक्ट, बट जिसे बहुत ज़्यादा हार्श फेस वॉश यूज़ करने की आदत है उनको फर्स्ट स्टार्टिंग में ये फील हो सकता है कि उन लोगों ने फेस वॉश किया ही नहीं है या वाटर से किया है, क्योंकि इससे यूज़ करने के बाद आपको कोई भी टाइप की स्किन में टाइटनेस या ड्राइनेस नहीं फील होगी। ये मेंटली वर्क करता है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को स्टार्टिंग में ये होता है कि उनको फील नहीं होता है कि हाँ उन लोगों ने कुछ फेस वॉश से फेस वॉश किया है। दे आर फीलिंग लाइक कि जस्ट वाटर से फेस वॉश हुआ है, बट मेरा यकीन कीजिए ये बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है, स्पेशली टीनएजर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप उनके पिंपल्स को और उनकी स्किन को इरिटेट होने से बचाओगे तो आगे जाके उनकी स्किन हेल्दियर तो बनती ही जाएंगी, बट ऑब्वियस कि उनकी स्किन जो है जितनी ही बची रहेंगी उतनी ही यंग एज में उनकी स्किन ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेंगी। ओके, तो यही था मेरा कहना कि आप इसे यूज़ कर सकते हो अगर आपकी टीनएजर किड्स हैं और उनको फेशियल पिंपल्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो ट्राई दिस प्रोडक्ट। अगर आपको कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर आप चाहते हो कि मैं कोई न्यू प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको डिटेल्स बताऊँ या उसको ट्राई करके आपको उसके रिव्यूज प्रोवाइड करूँ, तो डेफिनेटली यू कैन कॉमेंट मी ऑन द बिलो। ये मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो टू विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि मुझे एक अच्छा सपोर्ट मिले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय फॉर नाउ, सी यू सून अगेन। चलिए, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।